चरखी दादरी में नौकरी बहाली की मांग को लेकर करीब 3 महीने से धरने पर बैठे बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने दादरी दौरे पर आए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से रेस्ट हाउस में मिलने पहुंचे तो वहीं भारी पुलिस बल ने लाठीचार्ज कर दिया। इससे पूर्व आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई, बावजूद इसके दोनों तरफ काफी हंगामा हुआ। इसी बीच बैरिकेड्स तोड़कर भागे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान कई आंदोलनकारियों को चोटें भी आईं। आंदोलनकारियों के रुख को देखते हुए डिप्टी सीएम ने रेस्ट हाउस का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। चरखी दादरी में शुक्रवार को बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने कर्मचारी, किसान, खापो और अन्य सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर रोष प्रदर्शन किया। तिकोना पार्क से प्रदर्शन करते हुए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के रेस्ट हाउस की ओर कूच किया तो मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। रेस्ट हाउस में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बर्खास्त पीटीआई टीचर्स ने बैरिकेड्स क्रॉस करने की कोशिश की तो पुलिस के साथ झड़प शुरू हो गई। इस बीच आंदोलनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हटे। एसपी विनोद कुमार ने समझाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारी रेस्ट हाउस के समक्ष धरने पर बैठ गए और प्रदर्शन करते रहे। इसी बीच डिप्टी सीएम ने प्रदर्शनकारियों का रुख देखते हुए रेस्ट हाउस का कार्यक्रम रद्द कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पुलिस ने क्रूरतापूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, ऐसे में वो अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोग शांतिपूर्वक रोड मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग आ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, मैंने बैरिकेड शांतिपूर्वक साइड करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे, मगर पुलिस के द्वारा हमारे सर पर लाठियां भांजी गई, हमारे नाक के ऊपर लाठियों की खोद मारी गई। उसकी हालत आप लोग देख रहे, खून से हमारे कपड़े चने हुए। हम अपने अधिकार की मांग के लिए यहाँ पर आए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है। हम सारी प्रोसेस करके रिटर्न टेस्ट हमने ले दिया, फार्म दिया, हमने इंटरव्यू हम लोगों ने दिया, सारी प्रोसेस करके हम लोग गुजरे थे। हमने कोई जबरदस्ती स्कूलों में जाकर हम लोग नहीं घुसे, सरकार ने हमारा इंटरव्यू लिया। कोर्ट कहती है कि आप लोग निर्दोष हो, मगर सरकार भी खुद कहती है कि हम निर्दोष हो, और जो दोषी भरते हैं उसको दोषी बताए, मैं उस पर कार्रवाई नहीं। जो निर्दोष पीटीआई हैं, जो अपनी बहाली को लेकर मांग कर रहे हैं, अपनी बहाली को लेकर उप मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे, मगर उनको अपनी बहाली की एवज में लाठियाँ खाने को मिली, ये खून हमें देखने को मिला। और कोई लेडीज पुलिस वहाँ नहीं थी सर, पुलिस प्रशासन जेंट्स ने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। और हमने ये भी कहा कि सर हमारी नौकरी गई हुई है, हम बेरोजगार हैं, ये बताएं हम कहाँ जाएं, फिर भी वो पूरे हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे थे और यहाँ उन्होंने लाठी मारी है इस बात के उस पे। आज यहाँ पे बैठे हम दुष्यंत उप मुख्यमंत्री से मिलके ही जाएंगे, या हमें वो आज मिले या कल मिले, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है सर। कहाँ जाएं, क्योंकि हम बेरोजगार हैं, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं ये बताओ। छोटे छोटे हमने मकान बनाए थे और आज हमारे मकान बिकने की सिचुएशन पे आ गए हैं, हमारे बच्चे की एजुकेशन खराब होती जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम बेटियाँ नहीं है, जो पुलिस प्रशासन से हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है सरकार, ये बताए किसके उससे दम पे बनी है सरकार। हमने वोट दी तब सरकार बनी है और आज सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल पीटीआई टीचर्स का धीरे धीरे सब्र का बांध टूटता जा रहा है और उनका प्रदर्शन पहले से और ज्यादा उग्र होता जा रहा है, और आए दिन किसी न किसी नेता का घेराव भी वो कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बर्खास्त पीटीआई टीचर्स के बढ़ते प्रदर्शन को सरकार कैसे शांत करती है। प्रदीप साहू, टोटल न्यूज, चरखी दादरी।